Hello friends, welcome back to my channel. Reaction. So guys, my name is Aya, my sister. Mommy. So guys, आज एक और हम रिक्वेस्ट वीडियो के साथ आए हैं। जो रिक्वेस्ट हमसे की थी स्वामी खान ने, जिन्होंने हमसे पहले भी एक वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, वो भी हम जल्दी पूरी कर देंगे। और आज शूट की भी अपलोड नहीं हुई। हां बिल्कुल। और उसके बाद आज की जो वीडियो है वो है लंबी जुदाई बाय बिलाल सईद, रिक्वेस्टेड बाय स्वामी खान। बिल्कुल। तो बिना देरी किए सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो गाइस, तो बिना देरी किए सबसे पहले सॉन्ग सुनते हैं, फिर मजीद आपसे बातचीत होगी। सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग। 3 2 1 स्टार्ट। बस बचना चाहिए गाना, क्या जाना था भाई करना, तुम मैं बचना चाहिए गाना। देसी म्यूजिक फैक्ट्री प्रेजेंट्स। लंबी जुदाइयां, लंबी जुदाइयां है। कोई रिक्वेस्ट करेगा तो जरूर देखेंगे। हम तो कह देंगे कि भी तो नहीं मानोगे। बिल्कुल। हां ठीक है। डायरेक्टर बिलाल। छोड़ दे आज। छोड़ दिया। रोक ले आंखों में जज्बा। रोक है शुरू आज से ये जुदाई की राह। बिल्कुल ऐसे सीरियस। जा रहा हूँ लिए मैं तेरी याद साथ, तेरी आगोश से दूर, तेरी खुशबुओं से दूर, मुझे हो जाने दे आज खुद से तू दूर। कोई तो मैं ऐसी जगह ना जहां हो तेरी याद से रब्ता, रास्तों से जुड़े ना कोई रास्ता, फासलों से भी मिट ना सके फासला, इन रब्तों से दूर, तेरे रास्तों से दूर, मुझे हो जाने दे आज खुद से तू दूर। लंबियां जुदाइयां हिस्से साढ़े आईयां, रब्बा वे मोहब्बता क्यों तू बनाया। लंबियां जुदाइयां हिस्से साढ़े लंबी जुदाइयां। हाँ नहीं, ये सॉन्ग ही, आजकल सॉन्ग इस तरह की होते हैं। और सॉन्ग जो है वो बहुत ही इमोशनल टाइप का था, यानी कि सैड लव सॉन्ग है, यानी कि बिल्कुल के इसमें कहानी ये बताई गई है कि जी एक्सीडेंट हो गया और जो मेल करेक्टर है उनकी डेथ हो गई, और फिर जो रूम है वो गाना गाती है, अपनी फीलिंग बताई गई है कि हम हमारे हिस्से में जुदाइयां हैं। हाँ दूर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं पास ही हूँ। बिल्कुल। तो एक इमोशनल सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था और अच्छा सॉन्ग था, मतलब लिरिक्स आपको अच्छे लगेंगे इसके। और जो एक्ट्रेस थी वो भी बहुत अच्छी थी, उनको इतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया क्योंकि बेचारी का एक्सीडेंट हुआ था। बिल्कुल। तो छोटा सॉन्ग था, तो क्योंकि जस्ट 3 मिनट्स का सॉन्ग है तो अच्छा लगा सुन के। मतलब ये है कि हमने इमोशनल सॉन्ग जो पहले एक था जो हमारी वीडियो ब्लॉग को की थी, सॉन्ग था जोकर, वो भी इमोशनल था, वो ज़्यादा अच्छा आपको इसलिए लगा था। अच्छा नो डाउट मुझे भी अच्छा लगा था, मगर वो था पूरा
आई थिंक 6 मिनट का सॉन्ग था, उसमें बचपन से लेकर हर चीज बताई हुई थी और उसमें आप बिल्कुल एक स्टोरी में घूम जाते हो, क्योंकि आपको ईच एंड एवरी जो मेन मेन करेक्टर और एक्सीडेंट वगैरह जो लाइफ में हुए के बच्चा जो था सर्कस में होता है वो सब कुछ दिखाया गया। इसमें 3 मिनट्स था, आप जब तक उस चीज में इन्वॉल्व होने लगते हो तो सॉन्ग खत्म हो जाता है, सॉन्ग खत्म हो जाता है। तो उस वैसे मगर ये भी सॉन्ग अच्छा था, थोड़ा सा बड़ा होता तो और ज्यादा अच्छा लगता और आप उस चीज को जरा ज्यादा थोड़ा सा फील कर सकते हैं, बिल्कुल खाली उसी चीज को लेके गए, थोड़ा सा बैकग्राउंड होता कि जी किस तरह की लाइफ गुजरी थी, खाली 30 सेकंड्स में दिखा देते उसमें ही हो जाता सब। और उसके बाद ये दिखाते तो क्या, तब फिर वो यानी कि वो क्या होता है फीलिंग्स ज्यादा हो जाती है कि जी पहले इस तरह की लाइफ गुजरी है, बिल्कुल एकदम एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई, इसमें तो खाली यही था कि डेथ हो गई और वो सब कुछ। तो ओवरऑल सॉन्ग ठीक ठाक था, लिरिक्स अच्छे थे, मगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता ना तो वीडियो सुनने में आपको अच्छा लगेगा, जिस तरह आप सैड सॉन्ग किसी का सुनने का दिल हो उस लिहाज से अच्छा है, मगर अगर वीडियो के लिहाज से अगर आपको उसका इमोशंस वगैरह आपको फील हो तो उसके लिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी होनी चाहिए थी। और आपको ये सॉन्ग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जाने से पहले आपको कहना चाहिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो गाइस हंसते रहे मुस्कुराते रहे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय।